Asim, who just messaged you? DJ Snake. Oh my god! Are you collaborating with DJ Snake? Very soon, man. Oh my god. I told his manager, I was like, yo man, let's do it. You gotta do it. This is getting out of control. This is getting out of control. Every day, this guy is coming to me with some new news. Yes. Whoa. Day one, all right with Jacqueline. D-Series, we're doing it for real. Guys, Merry Angdebe, we're reading. Drop it. Check out everyone checking out our look. Our look, right? All right, thank you. Awesome season. Day one, all right with Jacqueline. D-Series, we're doing it for real. Guys, Merry Angdebe. Drop it. Check out everyone checking out our look. First runner up, firstly, and thank you so much for having me, and thank you so much to Big Boss and Amol and Kulz for believing in me, and first runner up, but just because of my audience have been supporting me from day one to now. Zarur jeetne ka tha, disappoint hua thoda, but game hai, ek ko hi jeetna tha.
बट जिस हिसाब से रिस्पांस मिल रहा है मेरे को, मेरे को बोल रहे हैं लोग कि आप हमारे लिए जीते हो, आप हमारे लिए विनर हो, सो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. इंडिया इंटरनेशनली मेरे को सपोर्ट आया है, सो ऐसा हुआ नहीं है कभी. सो आई एम जस्ट फीलिंग ओवरवेल्म्ड एंड फीलिंग वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. सो या दैट्स इट. ओके, बिग बॉस ने आपको एक नया एक फेम दिया, एक नई पहचान दिया, तो कितना थैंकफुल कहना चाहेंगे आप बिग बॉस को? मैं बिग बॉस के घर में रह के उनको रोज़ थैंक यू बोलता था मैं. सो इट्स जस्ट दैट आई एम, उन्होंने बिलीव किया मेरे में, अपॉर्चुनिटी दी मेरे को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. कहीं ना कहीं उन्होंने देखा ये कर सकते हैं और मैं खरा उतरा. सो आई एम जस्ट फीलिंग लकी एंड आई एम नेवर लेट, उनको मैंने नीचा नहीं होने दिया, मैंने वो उनकी अपॉर्चुनिटी पे खरा उतरा. सो आई एम जस्ट फीलिंग गुड. या ओके, बिकॉज मैं हमने आपको बहुत ही एग्रेसिव भी देखा है. सो रियल लाइफ भी आप इतने ही एग्रेसिव है कि घर में आके इतना एग्रेसिव हो गया आप? रियल लाइफ में इतना एग्रेशन किसी ने मेरा टेस्ट नहीं किया, तो शायद होऊंगा अगर कोई टेस्ट करेगा, बट इतना कभी आया नहीं बाहर टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट वहाँ सिचुएशन ऐसी थी कि 20-25, 15-20 लोगों में आप रह रहे हो, सिचुएशन ऐसी होती है, यू नीड टू टेक योर स्टैंड कि ये सही है, सही है. एंड बहुत से मुद्दे होते हैं, आपको कोई आप पे उंगली उठाता है, क्या टास्क में हो, कुछ हो. तो बाहर इतना कभी एग्रेशन आया नहीं टू बी ऑनेस्ट. मुंबई में यू जस्ट कीप बिजी, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, कीप वर्किंग आउट, कीप यू नो आप अपनी लाइफ बनाने में लगे रहते हो. बट वहाँ जाके पता चला एग्रेशन है, विच आई वांट टू वर्क ऑन इट. एंड वो काम मैं इतना सीखा है मैंने कि यू नो कि उसको मैं कंट्रोल कर पाऊँ. सो या ओके, बिग बॉस में आपको बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिला, लोगों का साथ भी मिला, उसी right. के साथ आपको प्यार भी मिला है. right. तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? और आपकी, आपको लगता है कि आपकी फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इफ आई लव हर एंड दे हैव टू एक्सेप्ट इट. एंड आई थिंक शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल गर्ल, एंड उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई उसको ना बोले. यू नो आई एम सेइंग, वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल. एंड यू नो सो आई थिंक फैमिली इज़ फेयर इनफ. मैंने उनको स्टेज पे ही हिमांशी को मिलाया, यू नो फर्स्ट गर्ल अपने डैड को मैंने मिलाई, दैट इज़ हिमांशी. आई एम 26, आई एम नॉट लाइन, आई एम नोबडी, आई हैव गॉट टू यू नो ओके माय डैड, दिस इज़ माय यू नो गर्ल एंड एवरीथिंग. सो आई फील वेरी लकी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ टुडे दैट मैंने इतनी 10 साल जो मेहनत की, मैं खरा उतरा, कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ का फल मिला है बिकॉज ऑफ माई ऑडियंस, बिकॉज ऑफ यू गाइस. सो आई जस्ट फील लकी. इसके अलावा बहुत जल्दी आप महेश जी के साथ भी मूवी करने वाले हैं, उसके अलावा भी 3 मूवी भी आपको ऑफर हुए, क्या ऐसा चाहिए? मुझे, मैं अभी 2 घंटा पहले निकला हूँ बाहर, मेरे को अभी सिर्फ हवा खाई है मैंने और मैंने चाय पी है, तो जो मैं पीता रहता हूँ, उसके अलावा मुझे पता नहीं, कल सुबह पता चलेगा क्या है. सो लवली. ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को जो इतना प्यार दे रहे हैं आप? आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड फ्रॉम डे 1 टू नाउ आपने सपोर्ट किया है मुझे एंड ओवरवेल्म्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. जैसे शो खत्म हुआ एंड मैं थोड़ा पीछे पीछे खड़ी हो रही थी बिकॉज मेरी ज़्यादा और किसी से तो इंटरेक्शन होती नहीं थी, रश्मि भी बिजी थी, तो मेरी थोड़ी आदत है कि मैं एक स्पेस इन्जॉय करने देती हूँ सामने वाले पर्सन को. तो आसिम को मैं पीछे खड़ी हो गई एंड उनकी फैमिली और उनकी मॉम, शी वॉज़ वेरी इमोशनल एंड उनको हग किया जाके, लेकिन आसिम वॉज़ लुकिंग फॉर मी एंड उन्होंने हाथ पकड़ के he was looking for me and हाथ पकड़ के सीधा अपने parents के पास ले गए कि see she is the girl जिससे मैं मिलवाना चाहता था. and मैं बहुत तब भी shy feel कर रही थी, मैं उसको बोल रही थी relax relax okay, लेकिन मैं बोल रहा नहीं, मतलब मैं पहली बार अपने father के से किसी लड़की को मिलवा रहा हूँ. एंड यू नो आसिम घर के बाहर आने के बाद में आसिम ने क्या बात की आपसे और क्या था उनका बहुत सारी बातें की हमने, बहुत सारी चीज़ें बिग बॉस के बारे में तो नहीं की, लेकिन हम पर्सनल हमारे रिलेशनशिप पे, फैमिलीज पे, और अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने, मी, रश्मि, उमर एंड आसिम, जैसे आसिम के कज़न, तो हम सब साथ में थे, हम बहुत फ़न किया हमने. तो इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी बिकॉज वो भी 4 महीने बाद घर से बाहर आए हैं, तो उनका मेंटल हेल्थ एंड उनके उनको एक कम्फर्ट जोन देना बहुत ज़रूरी था. हिमांशी, इसके अलावा आसिम जब रनर अप हुए, उनका क्या रिएक्शन था जब आप लोगों ने उनको मिले रनर अप होने के बाद, तो उनका क्या रिएक्शन था, वो क्या सोच रहे थे उस समय? पिछले 3 दिन से बीच बीच में वो थोड़ा सा बोलते हैं कि यार ट्रॉफी नहीं जीत पाया, लेकिन जब इंटरनेट हमने उनको दिया नहीं था आगे, हम नहीं चाहते थे, लेकिन लास्ट 1 दिन पहले जब उनका फ़ोन उनके हाथ में आया, तो वो सर्व कर रहे थे, हर जगह देख रहे थे कि वीडियोस, फ़ैन, लिटरली लोग, फैंस रो रहे हैं और बहुत उनके नाम पे, ही इज़ अ फर्स्ट रनर अप, लेकिन इंटरव्यूज़ भी उन्हीं के वायरल हो रहे हैं, हर जगह आसिम आसिम हो रहा है. तो इट्स लाइक मैंने शो जीत लिया, तो
तुम्हें प्राउड फील हो रहा है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड फैमिली ने भी बोला, पापा को पूछा उनके कि आप खुश हो, लाइक आई एम प्राउड ऑफ यू। तो बड़ा अच्छा एक इमोशनल, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो चीज़ कि मैंने शो के लिए इतना किया तो ट्रॉफी तो चाहिए थी, लेकिन स्टिल ऐसा कहा जा रहा है कि कलर्स जो है कहीं ना कहीं बायस हो रहा है उनकी तरफ से। आज एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया गया है कलर्स की तरफ से, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? सॉरी आई डोंट नो अबाउट द स्टेटमेंट। यही मतलब कोई बायसनेस नहीं है शो की, और जिस ने भी ये इंफॉर्मेशन लीक किए कि यू नो शो ऑलरेडी फिक्स था, ये सब गलत है। ओके मतलब अगर चैनल ये चीज बोल रहे हैं तो सी एट द एंड क्या होता है, जब टीवी पे एक शो आता है इट्स नॉट अबाउट द हीरो ऑल द टाइम। हीरो अगर है, कुछ लोगों को मतलब और भी शो के करेक्टर पसंद आते हैं, और समटाइम क्या होता है कुछ लाइक फॉर एग्जांपल लाइक शोले फिल्म में गब्बर वाज द विलन एंड ही वाज वेरी फेमस एंड लोगों ने बड़ा पसंद किया। सो शो में 14-15 लोग थे तो उसमें से आसिम इज़ द वन जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिला है और सबसे ज़्यादा लोग उसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, तो आई थिंक वही विनर है ना उस चीज़ के लिए। तो इट्स नॉट अबाउट द कलर्स ने किसको, टीम ने या चैनल ने किसको ट्रॉफी दिया है, इट्स अ क्राइटेरिया ठीक है, लेकिन फॉर अस आसिम इज़ अ विनर। यू नो व्हेन यू वेंट इनसाइड शहनाज के साथ में भी कुछ बातें थी जो आप करना चाहती थी, अब जब घर के बाहर आ गई हैं तो क्या चीज़ें हैं सॉर्ट आउट होने वाली है, उनसे बात होने वाली है, क्या होने वाला है? जब मैं कनेक्शन वीक में गई तो उनका बर्थडे था सेम डे, तो जब मैं एंटर हुई तो उनके ब्रदर भी साथ में थे, तो मेरे मॉम ने भी बोल दिया था कि उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया है। आई थिंक जब नेशनल टेलीविज़न पे इतनी बड़ी बात होती है तो उसका क्लोजर भी वहीं होना चाहिए, ताकि कल को आप लोग मिलो तो दिल में मलाल ना रहे, और उस चीज़ को ख़त्म करना इम्पॉर्टेंट है। वो अपने करियर में बिज़ी है, मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, तो कभी कहीं किसी मोड पे मिलते हैं तो दिल में ये ना रहे कि हम एक दूसरे के लिए ग्रजेस लेके घूम रहे हैं। तो हम अंदर जब गए, उनके ब्रदर भी यही चाहते थे, और उन्होंने भी, शहनाज ने भी बहुत बार आसिम के पास बोला था कि मैं चाहती हूँ कि पैचअप हो जाए, वो अपनी तरफ से कंसर्न दिखा रही थी। तो हमारी बहुत बातें हुई हैं आपस में लेकिन वो एयर नहीं हुई है, तो हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत फन किया, तो ठीक है ऐसा कुछ नहीं। स्वयंवर जो अभी होने वाला है शादी के लिए, पारस और शहनाज का, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? गुड फॉर हर, गुड लक टू देम। ठीक है, इट्स वेरी गुड थिंग, एक शो ख़त्म होते ही एक दिन भी नहीं पड़ा, नेक्स्ट डे शो हो रहा है उनका, एंड उनका कॉल है, मतलब वो ज़्यादा जानती हैं अच्छे से, एंड 4 महीने उन्होंने भी शो को बहुत दिया है, बहुत एंटरटेन किया है, तो अच्छी बात है कि काम रेगुलर करते रहना चाहिए।